नमस्कार दोस्तों, मैं किशोर कुमार कीजन टेक्नोलॉजी पूर्णिया से। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हम HTML में चेकबॉक्स जो है कैसे क्रिएट करते हैं और उसका कोडिंग क्या है। तो इसको देखने के लिए सबसे पहले हमको चलना होगा अपने नोटपैड एडिटर में। हमारे पास जो नोटपैड एडिटर है वो नोटपैड प्लस प्लस है। तो इसमें हमें सबसे पहले बेसिक कोड जो है HTML का वो टाइप करना होगा। तो चलिए हम टाइप करते हैं, कोड लिखते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे HTML, और जो भी कोड हम लिखेंगे, जो भी कोड हम ओपन करेंगे वो क्लोज भी होगा। HTML मेरा क्लोज हो गया। अब इसके अंदर जो है सब हम लिखेंगे हेड, मेरा हेड क्लोज होगा। और हेड के अंदर जो है हम लिखेंगे टाइटल, जो कि बेसिक मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है। टाइटल क्लोज, टाइटल में हम दे देते हैं हाउ टू क्रिएट चेकबॉक्स इन HTML, क्योंकि हम मतलब इससे ये समझ में आ जाएगा कि हम जो है ये इस कोडिंग में क्या कर रहे हैं। उसके बाद हम आते हैं बॉडी सेक्शन में। बॉडी क्लोज, इसको हम सेव कर लेते हैं। ठीक है, अब इसमें हमें एक फॉर्म लेना है। बॉडी के अंदर फॉर्म ले लेते हैं, क्योंकि चेकबॉक्स जब भी क्रिएट करते हैं तो हम फॉर्म के अंदर क्रिएट करते हैं तो बेटर वो दिखेगा। उसे हटा करके भी आपको दिखा देंगे। फॉर्म फॉर्म क्लोज, फॉर्म के अंदर हम कुछ एक डिस्क्रिप्शन दे देते हैं जिससे कि ये समझ में आए कि हम कर क्या रहे हैं। सेलेक्ट वन ऑफ द चॉइस, उसके बाद हम ब्रेक, लाइन ब्रेक जो है वो लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद जो है हम अब जो है चेकबॉक्स का कोड लिखेंगे। इनपुट टाइप इक्वल टू चेकबॉक्स स्पेस नेम इक्वल टू ऑप्शन वन। ठीक है, उसके बाद उसमें क्या होगा, वैल्यू मतलब जो डिस्प्ले करेगा, वैल्यू इक्वल टू DCA। ये तो आपका जो है इंटरनल वैल्यू हो गया। डिस्प्ले करने के लिए जो है इसको क्लोज करेंगे पहले, उसके बाद यहाँ पे हम दे देंगे DCA। BR
हमने लगा दिया, ब्रेक हो जाएगा लाइन यहाँ से, फिर नीचे आएंगे, फिर दूसरा हम लेंगे इसी तरह से इनपुट टाइप इक्वल टू चेक बॉक्स नेम इक्वल टू ऑप्शन टू वैल्यू इक्वल टू ए टी सी ए, ठीक है ए टी सी ए, और हम उसके बाद जो है ब्रेक लगा देंगे पी आर का। तीसरा दे देते हैं हम इनपुट टाइप इक्वल टू मतलब इस तरह से जो है आप ढेर सारा चेकबॉक्स आप बना सकते हैं। नेम इक्वल टू ऑप्शन थ्री वैल्यू इक्वल टू टेल क्लोज टेली, उसके बाद हम जो है यहाँ पे ब्रेक लगा देते हैं वी आर। तो इस तरह से जो है हमारा कोडिंग होता है चेकबॉक्स क्रिएट करने का। अब इसको हम देखते हैं कि कैसे ये शो कैसे कर रहा है। अब देखिए ये मेरा चेकबॉक्स जो है बन के रेडी है। अब इसमें हम जिसको जिसको सेलेक्ट करना चाहेंगे वो सेलेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से जो है हम HTML में चेकबॉक्स क्रिएट करते हैं। आज आपने देखा कि हम HTML में चेकबॉक्स कैसे क्रिएट करते हैं और इसका कोडिंग क्या होता है। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल बटन को ज़रूर से ज़रूर क्लिक करें, जिससे कि जैसे ही हम कोई भी नया वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको आए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। गुड नाइट, सबक है, शुभ रात्रि।